होली के दिन घर से लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची का शव घर के सामने ही गेहूं के खेत में मिला, जो पूरी तरह से डीकम्पोज हो गया था और उसका मानव अंग को जानवरों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। कपड़ों व अन्य वस्तुओं से बच्ची के परिजनों ने उसकी पहचान की। पुलिस ने इस मामले पर बच्ची के चाचा को गिरफ्तार किया है, जिसने होली के दिन बच्ची के पिता से मामूली विवाद को लेकर रंजिशन बच्ची की हत्या कर दी थी। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरी गाँव में आज उस समय मातम छा गया, जब होली के दिन लापता हुई बच्ची का क्षत विक्षत कंकाल उसके माँ बाप को मिला। बच्ची की हत्या उसके परिवार के ही चाचा अर्जुन केवट ने गला दबाकर की थी। पुलिस ने बताया, होली के दिन मृतक बच्ची के पिता भरतलाल केवट से अर्जुन केवट का मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद अर्जुन केवट ने मृतक बच्ची साधना केवट को 50 रुपए देकर कुछ सामान मंगाया और जब वह सामान लेने गयी तो वह भी उसके पीछे पीछे चला गया और बच्ची को कुरकुरे खिलाने के बहाने खेत की तरफ ले गया और वहाँ गला दबाकर उसकी हत्या कर जमीन में ही दफना दिया। परिजनों ने बच्ची की तलाश करने के बाद गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। बीते शाम गांव के कुछ लोगों ने कुत्ते को मानव अंग लेकर घूमते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत में जाकर शव निकलवाया तो देखा शव पूरी तरह डीकम्पोज हो गया है और उसके मानव अंग भी जानवरों की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। परिजनों ने बच्चे के कपड़े और अन्य सामान से उसकी पहचान साधना के रूप में की। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी चाचा अर्जुन केवट को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। बैकुंठपुर में पथरी गाँव में एक बच्ची 10 वर्ष की होली के दिन जो है गुम गई थी। इसकी सूचना दूसरे दिन उनके परिजन ने बैकुंठपुर थाने में दी थी, जिस पर 363 का भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर लड़की की तलाश की गई थी। कल परिजन ने सूचना दी कि गांव के कुछ लोगों ने बच्ची के शरीर के कटे हुए अंश को कुत्ते को ले जाते हुए देखा है। इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंची, सर्चिंग की। FSL टीम, डॉग मास्टर सभी मौके पर पहुंचे, तलाश किए तो वहां उनके घर के ही सामने पास में एक गेहूं का खेत था, जिसमें पूरा फुल बाली वाले गेहूं लगे हुए थे। उसी के अंदर कुछ मानव शरीर के अंग पाए गए बच्चे के। वो काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, टुकड़ों में थे, जिनका संचय करके और उनके कपड़ों से उनकी पहचान उनके माता पिता ने की कि ये लड़की जो है साधना केवट है, जो गुम गई थी। पुलिस ने उससे जुड़े हुए जितने सूत्र हैं उसको खंगाला और SDOP सिरमौर थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पूरी टीम लग करके पता लगाने पर ये जानकारी सामने आई है कि लड़की के परिवार का चाचा ही, जिसका होली के दिन विवाद हुआ था उसके पिता, बच्ची के पिता भरतलाल से, इस बात से गुस्से में आकर के उसने बच्ची को 50 रुपये देकर गुटका राशरी मंगाया था। बच्ची जब वहाँ से निकल गई तब उसका पीछा करते हुए बच्ची को जो है कुरकुरे खिलाने के बहाने वहाँ ले गया और क्रोध में उसके गले को दबा और वहीं उसकी शव को उसी खेत के अंदर छुपा दिया। शव काफ़ी दिन पड़े रहने के कारण डिकम्पोज हो गया और वहाँ जो जंगली जानवर हैं उसने उसके शव को छद्मवचित कर दिया था। अभी पुलिस उसके चाचा को, जिसका नाम अर्जुन केवट है, उम्र 27 वर्ष, उसको अभी रक्षा में ले ली है और विस्तृत पूछताछ उससे की जा रही है।